नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। एक न्यू अपडेट के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो एक न्यू गाइडलाइन केंद्र सरकार के तरफ से जारी की गई है और ये दिशा निर्देश जो जारी की गई है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा। तो ये जो दिशा निर्देश जारी की गई है ये दिशा निर्देश भारत के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनके लिए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये जो है गाइडलाइन जारी की गई है कि अब जितने भी न्यूज़ चैनल है जैसे कि आपके आज तक हो गए, NDTV हो गए, जी न्यूज़ हो गए, IBN7 है, मतलब जितने भी न्यूज़ चैनल हैं अब इनको प्रत्येक दिन, ध्यान से सुनिएगा, इनको प्रत्येक दिन 30 मिनट का एक प्रोग्राम जो है कंडक्ट करनी है और ये जो प्रोग्राम होगी आपकी लोक सेवा एवं राष्ट्र हित से संबंधित प्रोग्राम होगी और ये 30 मिनट का शो पर डे हर न्यूज़ चैनल को चलाना है। अब इस प्रोग्राम में भारत सरकार ने 8 थीम भी दी रखी है। तो ये 8 थीम कौन कौन सी है? पहला जो थीम दिया गया है शिक्षा और जो साक्षरता है उनके प्रसार से संबंधित आपको प्रोग्राम चलाना है। सेकंड थीम जो दिया गया है कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी चीज़ें भारत में हुई है वो उस पर आपको एक प्रोग्राम चलाना है। तीसरी थीम जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित। चौथी थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत ने क्या अचीवमेंट की है या फिर क्या अचीवमेंट नहीं हुई है या फिर अभी क्या चीज़ें चल रही है। पाँचवा जो है थीम महिलाओं का जो कल्याण है, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको प्रसारण करनी है। नेक्स्ट थीम यानी कि छठा थीम जो होगा समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग के जो कल्याण हुए हैं उनके लिए आपको प्रसारण करनी है। सातवां जो होगा पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, मतलब कि जितने भी यूनेस्को लिस्ट में शामिल है या फिर यूनेस्को लिस्ट में जो भी नॉमिनेट हुए हैं उनके लिए क्या भारत सरकार ने कदम उठाए हैं आपको उसका आपको क्या है उसमें एक प्रसारण करना होगा। और अंतिम जो थीम रखी गई है राष्ट्रीय एकता नीतिगत, मतलब कि नेशनल यूनिटी के ऊपर आपको जो है प्रसारण करनी है। तो ये 8 थीम की जो है दस्तावेज केंद्र सरकार ने जारी की है कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं पर डे अगर ये अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन पर फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई भारत सरकार केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये जो दिशा निर्देश जारी की गई है कितनी सही है दिशा निर्देश हमारे लिए, आप लोगों के लिए, भारत के लिए। तो ज़रूर से कमेंट करके आप बताएंगे, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तो इसी तरह अगर न्यू अपडेट जो भी आए, क्योंकि देखिए ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 30 मिनट का इस प्रकार से प्रोग्राम या फिर किस लिए, ठीक है, लोक हित तथा राष्ट्र हित के लिए, ठीक है ना। तो जो भी अपडेट है आपको हर दिन जो भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको देते रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।